नमस्कार सभी को, भोजपुरिया विदेशी के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपका ये भोजपुरिया भाई आ चुका है आप कनाडा आए हुए मुझे हो चुके हैं 7 से 8 महीने। मैंने सोचा था कि कनाडा के बारे में स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, लेकिन मुझे खुद थोड़ा टाइम लगा यहाँ एडजस्ट होने में, तो मैं इतने टाइम में वीडियो नहीं बना पाया। मुझे अब लगता है कि इस काबिल तो हो चुका हूँ मैं कि मैं कुछ आपको बेसिक बता सकूँ कि जब भी आप कनाडा आए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके कनाडा मत आइए। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जैसे ही आप कनाडा में आएंगे आपकी एकदम लाइफ बदल जाएगी, एकदम से आप महंगी गाड़ियों में घूमेंगे। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और उतना ही स्ट्रगल भी है यहाँ पे। दूसरा, वेदर। यहाँ पे चारों सीजन है, यहाँ पे ठंड भी है, गर्मी भी है, यहाँ पे बरसात भी होती है और यहाँ पे फॉल का भी सीजन है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में जा रहे हैं। किसी किसी लोकेशन में ठंडी बहुत ज़्यादा आती है। जितना भी आप कनाडा के नॉर्थ में चलते जाएंगे, जैसे मैं हूँ यहाँ के मनीतोबा में हूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ी ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर जो है -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। अगर आप, मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे डालूंगा, आप देखेंगे कि जब लास्ट ईयर मैं यहाँ पे आया था मई के टाइम में यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक की स्नो गिर चुकी थी। सोचिए, मई में जब यहाँ पे गर्मी एक्चुअली स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, उस टाइम तक हमें यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी। जब इनका पीक सीजन होता है जैसे जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंडी आंधियाँ चलती हैं। 10 मिनट की मुश्किल से वॉक है यहाँ से मेरे स्टोर की। मैं वहाँ पे जा रहा था और ठंड के मारे मेरे हाथ पाँव और नाक एकदम सुन्न हो गए थे। बस 10 मिनट का वॉक, और उसमें भी जहाँ पे आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है ना, जहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है जो हवा और इनको रोके, वहाँ पे आपको बड़ी तकलीफ महसूस होती है। चाहे आप कितना अच्छा सब कुछ अपने आपको पूरे लेयर करके जैकेट पहन लें, आप सब कुछ पहन लें, लेकिन ठंड यहाँ पे हो जाती है। तो अपने दिमाग में वैसा रखिए। लेकिन हाँ, ये है कि घर के अंदर अगर आप हैं या फिर अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या फिर अगर आप कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे वो इक्विप्ड होते हैं वो घर, तो हीटर्स लगे होते हैं उनमें इंटरनल, सो आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अभी मैंने जैकेट यहाँ पे इसलिए पहन रखा है कि मैंने घर का जो फर्नेस है वो पावर सेविंग पे लगा रखा है, क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा आता है उसका। जितना ज़्यादा आप हीटर चलाएंगे उतनी ज़्यादा बिल आती है। तो मुझे लगा कि थोड़ा ऑटोमेटिक पे छोड़ देता हूँ, थोड़ा ठंडा भी रहेगा तो चलेगा, एक जैकेट में काम चल जाता है। जब भी आप नए जगह पे जाइए तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। बहुत बहुत ज़रूरी है ये। सभी ये गलतियाँ करते हैं, मैंने भी यही गलती बहुत बार की है। जब भी आप नई जगह पर जाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम नहीं देते और चीज़ों को एकदम से अपने ऊपर लेने लगते हैं कि अरे यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, वो ऐसा कैसे हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमें लगता है कि जो हम करते आए हैं वही सही है, पर ये गलत है। हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह के लोगों का काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ थोड़ा अलग अलग होता है ना। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। उसी में आता है आपको लर्न एंड अडॉप्ट। 2 महीने 3 महीने अपने आप को टाइम दीजिए, देखिए कि लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए और उसके बाद फिर अपनाइए अगर आपको वहाँ पे रहना है, सेटल होना है। क्योंकि आप किसी और के अगर कंट्री में जा रहे हैं, ये नहीं कर सकते ना कि उनको अपना तरीका सिखा के आए। आप सभी को फोर्स करें कि नहीं, जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए। जाहिर सी बात है, आप उनके कंट्री में गए हो तो आपको उनका कल्चर सीखना पड़ेगा, आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। नए जगह पर जब भी आप जाते हैं तो आपके पहले महीने के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सब कुछ नया खरीदना, सब कुछ आप इंडिया से तो भर के यहाँ नहीं ला सकते। आप गेहूँ, चावल, मसाला, ये सब थोड़े हद तक मसाला आप ला सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि मसाला जितना हो सके आप लेके आइए। जैसे मैं लेके आया था 7-8 महीने का मसाला मैं अपने साथ लेके आया था, तो आप मसाला ला सकते हैं अपने साथ में। लेकिन गेहूँ, चावल, दाल, ये सब जो है यहाँ पे ईजिली मिल जाता है। आपके पास में श्योरली यहाँ पे कहीं ना कहीं एशियन स्टोर होगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप इंडिया से इतना भारी सब उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन क्या, इसके साथ साथ आपको जो अपने एक्सपेंसेस है वो ट्रैक करते रहने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एक्सपेंस को बढ़ा रही हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ होती हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अब जैसे आपके फ़ोन का बिल है, वो फिक्स है, वो आपको उतने महीने ही आएगा। अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं तो आपका जितना बिल है उतना ही आएगा। आपके इंटरनेट के प्लान हैं वो उतने ही आएंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सेमी वेरिएबल है, तो आप चेंज कर सकते हैं उसको थोड़ा सा। यहाँ पे ठंडियों में थोड़े बिल ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में आप कम कर सकते हैं। गर्मियों में मेरा बिल जो है $30,000 तक का आ जाता है। रीज़न उसका यह है कि मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ और यहाँ पे गर्मियों में इतनी भी गर्मियाँ नहीं पड़ती कि आपको एयरकॉन इसकी ज़रूरत पड़े। लास्ट समर यहाँ पे टेम्परेचर जो मैक्सिमम गया था वो 30 डिग्री गया था, वो भी बस 2 दिन के लिए। 30 डिग्री मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है, तो मेरा तो काम फ़ैन में ही चल गया था। और कई दिन तो ऐसे थे जब मुझे फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। रात को टेम्परेचर 20, 21, 22 डिग्री रहता है, तो आपको
पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती, विंटर में कंट्रोल नहीं कर सकते, वेदर बाहर माइनस में जैसे ही पहुंचता है आपको कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे, तो जो हीटर्स हैं ये सब आपको चालू करने पड़ते हैं, और हीटर जितना ज़्यादा आप हीट में रखेंगे उतना ज़्यादा जो है बिल आता है। अब जैसे मैंने उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री पे सेट करके रखा है, तो जैसे 20 डिग्री तक पहुंचता है वो रुक जाता है, तो खैर 20 डिग्री में थोड़ा ठंडा ही होता है, तो उसकी वजह से मैंने एक जैकेट पहन रखा, और ये ठीक है रात में अगर जब मेरे को सोने जाना होगा तो मैं टेम्परेचर उसका 25 से 26 डिग्री के बीच में कर देता हूँ, और उसके बाद आराम से जाके सो जाता हूँ। आप अपना जब एक्सपेंसेस सारे निकाल लेते हैं 2-3 महीने में, तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने फिक्स एक्सपेंस हैं और कितना आप जो है अपने सैलरी में से सेव कर सकते हैं, उतना आप उसका हमेशा मंथली बजट बना लीजिए, उतना आपको महीने का महीने सेव करना ही है। उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप निकालिए, उसके बाद बाकी उसके बाद खर्च कीजिए। तो हमेशा जो है पहले सेविंग कीजिए फिर खर्च कीजिए। मैं जब सेविंग करता हूँ तो एक सेविंग मैं ऐसे करता हूँ जो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट लग करता हूँ, और दूसरी सेविंग ऐसी होती है जो मैं रखता हूँ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए, जैसे कभी इमरजेंसी में आपको इंडिया फ्लाई करना पड़ा, या फिर इमरजेंसी में आपको पैसे ज़्यादा घर पर भेजने पड़े, या कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए क्या आपको थोड़ा अलग सेविंग, आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो फिक्स सेविंग है उसमें से आप निकाल के, कुछ परसेंटेज है वो मैं निकाल के रखता हूँ कि किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसको, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया। स्टॉक मार्केट इन सब की बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके ऊपर है, रिस्की थिंग है, लेकिन ये है कि अगर लंबे टाइम के लिए उसको कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई नुकसान देगा, कहीं ना कहीं वो आपको जो है प्रॉफिट ही ऐड करता है, तो डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से अपनी सेविंग करते हैं। डोंट फॉरगेट टू इन्जॉय योर लाइफ। मानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज होंगे, या फिर आपने पैसे लोन लेके आए होंगे, कहीं ना कहीं घर वाले ने पैसे दिए, तो एक हमेशा सर के ऊपर जिम्मेदारियाँ बनी होती हैं कि मुझे जो है वो उतने पैसे कमा के उनको वापस देने हैं। ठीक है वो सब कुछ चलता है, लेकिन याद रखिए कि आपको भी ज़िंदगी एक ही मिली है, तो कोशिश कीजिए कि जितना आप उसको एंजॉय कर सकते हैं वो एंजॉय कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि एंजॉय का मतलब आप जाके दारू पीजिए, सिगरेट पीजिए, या फिर क्लबिंग कीजिए, मैं कभी ये सब सजेस्ट नहीं करूँगा, और कंट्री साइड में ये पॉसिबल भी नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ही आप यहाँ पे आइए कोशिश कीजिए कि अपना जो नॉलेज रिटेन टेस्ट होता है वो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग मंथ में ही अगर आप दे दें तो क्या होता है उसके बाद आपको 8-9 महीने रुकना होता है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप लाइसेंस जल्दी पा सकते हैं, जो मैंने फॉलो किया था, अगर उसके बारे में होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस जो है 2-3 महीने के अंदर ही पा सकते हैं। जैसे मैंने अपना लाइसेंस 2-3 महीने के अंदर ही ले लिया था, लेकिन आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स जो करने पड़ेंगे जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, फिर आप लोग देखोगे नहीं, फिर मेरे ऊपर सारा का सारा बोझ डाल दोगे कि अंकित भाई इतना लंबा वीडियो बना देते हैं बोरिंग हो जाती है। अब अंकित तो काम की चीज़ें बता रहे थे आपको, लेकिन आप नहीं चाहते इस वीडियो में वो चीज़ें, तो मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ चीज़ें जाननी है तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। होम सिकनेस यहाँ पे हो जाती है, होता ये है कि नए दोस्त बनाने थोड़ा टाइम भी लगता है, स्कूल से छुट्टी या फिर जॉब से छुट्टी है, तो होम सिकनेस बहुत ही कॉमन है यहाँ। अगर आप कंट्री साइड में मेरी तरह हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने को भी नहीं है, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ कहीं इजीली जा सको और घूम सको चीज़ें, तो आप एक बंद कमरे में हैं, सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँ, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत बोरिंग सा हो रहा है, बहुत लोनली फील करते हैं, तो लोनलीनेस थोड़ा यहाँ पे हो जाता है आपको, लेकिन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए बोरिंग सा वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपना एंजॉयमेंट ढूंढना है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा गेमिंग सेटअप करके बैठे रहते हैं, मुझे गेमिंग पसंद नहीं है तो मेरे लिए यही चलता है, मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ या फिर फोटोग्राफी कर लेता हूँ। तो जो भी आपको पसंद हो ना वो ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि होम सिकनेस यहाँ पे हो ही जानी है आपको, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए कि आपको क्या करना है। और थोड़ा सा टाइमिंग भी इंडिया से और यहाँ का डिफरेंट हो जाता है, तो अब यहाँ पे आपको 2-3 बजे दोपहर में अगर आपको घर की याद आ रही है तो आप नहीं फ़ोन कर सकते ना, मतलब कर तो सकते हैं, घर वाले बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन आप नहीं चाहेंगे ना कि रात को 2-3 बजे आप उनको डिस्टर्ब करो कि भाई आपको घर की याद आ रही है, वो घर वालों को भी आप परेशान कर दो, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, तो 4-5-6 महीने बाद आपको धीरे धीरे दोस्त मिल जाएंगे, वैसे भी कनाडा में इंडियन ही भरे हुए सारे, तो आपको थोड़े दोस्त मिल जाएंगे, तो आप उसके बाद दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हो या फिर खेलने बाहर जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आपको, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं, तो वो सारी बातें जो हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए इतना ही। अगले बार आपसे फिर मिलूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो बनाऊं, तब तक के लिए पीस।